ओला अमीगो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? ठीक हो सब लोग? हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा टेक्सोनॉमिकल एड खत्म हो गया, जहां पर मैंने तुमको सब बताया क्या क्या हर्बेरिया क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है, बोटानिकल गार्डन क्या होता है, जू क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, की क्या है, बुक्स क्या, ये सारी चीज मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको लग रहा रहेगा कि लेसन खत्म हो गया। नहीं बच्चा लो, इसके बाद एक पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चा लो, बायोडाइवर्सिटी तो सबको समझ में आ गया, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायो मतलब हमारा वर्ल्ड और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म रहते, तो इन सबको कंजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, है कि नहीं? इनको अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो हम खुद भी नष्ट हो जाएंगे, अर्थ भी खत्म हो जाएगा। तो इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, यही सब इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ओला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? क्या चल रहा है सब? चलो पढ़ते हैं बायोलॉजी मास, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बच्चा लोग पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी देखो, बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ द लाइफ फॉर्म इन एन इकोसिस्टम। बोलोगे सर ये क्या पूरा पैरा पर डाला? बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ अ लाइफ फॉर्म, मतलब बायो मैंने अभी बोला, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज ऑफ लिविंग बीइंग, है ना? इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म जो रह रहे हैं, उसे ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सामने आया बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? तो ये रही बायोडाइवर्सिटी का पहला डेफिनेशन। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, है ना, हर ऑर्गेनिज्म का रहना प्रेजेंट रहना जरूरी है। तुमने नाइन्थ में मेरे ख्याल से पढ़ा रहेगा इकोसिस्टम, हाँ इकोसिस्टम में पढ़ा रहेगा कि हर ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। हाँ, जैसे कि जो फ्रॉग है, हाँ, वो इंसेक्ट्स खाता है, और फ्रॉग को सांप खाता है, सांप को चील खाता है, है ना, फिर चील मर जाता है तो चील कोई फिर से इंसेक्ट खाते हैं, ऐसा। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनमें से अगर एक भी कोई मर गया तो उसकी वजह से दूसरे भी सब मर जाएंगे, है ना। इसको हमने इकोसिस्टम वेब कहा था, पेन गिर गया था, इकोसिस्टम हम लोग इसको इकोसिस्टम वेब कहते हैं। तो वही बोला है कि बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जरूरी है, एसेंशियल है टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके बाद क्या है? अच्छा, एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी किसको कहेंगे हम लोग? एक हेल्दी बायोडाइवर्सिटी उसको कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी रिगार्ड एज अ हेल्दी इकोसिस्टम। तो एक हेल्दी इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसे इकोसिस्टम जहां पर हर तरीके के लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स और डेंस तरीके के। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे, डेंस मतलब बहुत ज्यादा, ऐसे टाइप में अगर एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है तब उस इकोसिस्टम को हम लोग हेल्दी इकोसिस्टम कहते हैं। और हेल्दी इकोसिस्टम रहना जरूरी है ना, तो नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो फिर उसके वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट होएगा, वो खत्म होने लगेंगे, समझ में आ रहा है? इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यों लॉस कैसे हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, है ना? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खत्म, लॉस कैसे हो रही है धीरे धीरे? तो देखो पहला लिखा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट एन अलार्मिंग रेट। बहुत तेजी से बायोडाइवर्सिटी आजकल बच्चा लोग खत्म हो रही है। कैसे पता है? हाँ, लोग है ना पेड़ जंगलों को काट रहे, वहां पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं खुद के रहने के लिए, है ना। तो अब जंगल काटा तुमने एक तरीके से इकोसिस्टम ही खत्म कर दिया। उस पेड़ पे, है ना, उस जंगल में से पेड़ पौधे नहीं थे, बहुत सारे एनिमल्स भी रह रहे थे, तो उनका भी तुमने घर छीन लिया, तो एक तरीके का इकोसिस्टम का लॉस किया। तो एक अलार्मिंग रेट पे हो रहा है। तो रीजन उसका क्या है? तो रीजन उसका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हमको रहने के लिए जगह कम पड़ेगी, इस वजह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मतलब जो जंगल वगैरह काट रहे हैं, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, है ना, पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो रिसोर्सेज हमें ज्यादा लग रहे हैं,
तो हम रिसोर्सेस को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारा जो है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने बोला ना, हम पेड़ ज्यादा काट रहे हैं भाई, हमको फर्नीचर बनाना है, लकड़ी बनानी है, घर बनाना है, वगैरह वगैरह बनाना है, तो हमने और पेड़ काटे, तो ऑब्वियसली पेड़ काटा तो तुम्हारे पेड़ काटने की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट हो रहा है ना सर, तो ये उसका रीजन है। अब क्या इफेक्ट होता है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होने का, इफेक्ट क्या क्या है? तो मॉरल एंड इथिकल इशू हो रहे हैं। मॉरल एंड इथिकल इशू बोले तो पहले तो बोलते हैं ना, मॉरल संस्कार, इथिकल संस्कार होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, ये सब के इशू हो रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग पेड़ पौधों को अपना भगवान मानते हैं, है ना, तो तुम उसी को ही जाके काट रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके लिए मॉरल इशू है ये सारे, तो तुम काट कैसे रहे हो, हाँ तुमको जो रहना है, लेकिन जो आदिवासी जो जंगलों में रहते हो, तुमने उनका घर छीन लिया। समझ में आ रहा है? तो ये एक इशू है। इनस्टेबिलिटी आ रही है इकोसिस्टम में, ऑब्वियसली पेड़ पौधे मर रहे, दूसरे जानवर मर रहे, हर मैंने अभी बोला इकोसिस्टम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो मर, तो एक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो सब मर जाएंगे, है ना, उनकी वजह से सब मरेंगे। अच्छा, अब तो लॉस, यहां पर एक बहुत बच्चा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, लॉस ऑफ वन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। तुम लोग बोलेंगे सर आप क्या बार बार बोल रहे हो, हाँ कि अगर कोई एक स्पीशीज भी मर जाएगा या दूसरे स्पीशीज भी अगर मरने लगेंगे तो बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट होएगा, इकोसिस्टम को इफेक्ट होएगा। हाँ बच्चा लोग होएगा। मैं तुमको ना एक एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट ने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल कहते हैं एरोप्लेन एग्जाम्पल, ठीक है, स्क्रू एग्जाम्पल होता है। जैसे एक ऐसा समझो कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो एरोप्लेन को कील से मतलब स्क्रूज से सबको मतलब टाइट किया, उसके सारे हिस्सों को टाइट किया गया और उस उसके सीट पे पैसेंजर बैठे। अच्छा अब ऐसा सोचो, हर पैसेंजर ने, उसमें से किसी एक पैसेंजर ने एक कील निकालने को सोची, एरोप्लेन को कुछ इफेक्ट होगा, वो उड़ता ही रहेगा। अच्छा लेकिन हर पैसेंजर ने एक एक कील निकाली तो क्या हो जाएगा, एरोप्लेन का कोई ना कोई हिस्सा टूट रहे, सबने एक एक कील निकाल दी तो एरोप्लेन जिससे जुड़ा हुआ था वो हिलडुल के भाई क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एरोप्लेन सपोज हमारा इकोसिस्टम है। अच्छा अब लॉस ऑफ वन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अगर सपोज किसी ने एरोप्लेन के पंख का ही, अगर जो विंग्स होते हैं उसी का ही किसी ने ये निकाल दिया, तो स्क्रू निकाल दिया, तो क्या हो गया, पूरा एरोप्लेन गया। तो यहां पर मतलब किसी एक, अगर किसी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म भी अगर हमसे खत्म हो गया तो पूरा पूरा अर्थ खत्म हो सकता है। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वो खत्म हो गया तो पूरा अर्थ खत्म है, मैं बोलूं प्लांट्स, ट्रीज। अगर ट्रीज या प्लांट्स हमारे अर्थ से खत्म हो गए, गायब हो गए, कम हो गए, तो क्या हो जाएगा भाई, खाने के लिए खाना नहीं होगा, समझ रहे हो, खाने के लिए खाना नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, बारिश नहीं बदले बरसेंगे, हाँ इंसान को वेज खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को काट के खाना चालू कर देगा, कैनिबलिज्म पे उतर आएगा इंसान। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से बायोडायवर्सिटी को बचाना भाई बहुत जरूरी है। अब बचाओगे कैसे तुम लोग, सर आपने इतना बोल दिया, इतना खतरनाक खतरनाक, बचाएंगे कैसे, कंजर्वेशन कैसे करेंगे बायोडायवर्सिटी का? तो देखो कंजर्वेशन करने की टेक्निक्स क्या क्या है, सबसे पहले अटेम्प्टिंग टू स्लो डाउन, पहले तो स्लो डाउन हो जाओ, तुम लोग अभी मैं स्टॉप, देखो हो सके तो स्लो डाउन हो जाओ या हो सके तो स्टॉप हो जाओ, मतलब पेड़ पौधे काटना स्लो डाउन कर दो या स्टॉप ही कर दो, ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो उसको स्टॉप ही कर दो। चलो मतलब सर स्टॉप तो नहीं कर सकते क्योंकि हाँ भाई जरूरी चीज भी है, रहना भी है हमको, तो स्लो डाउन हो जाओ। अच्छा स्लो डाउन हो गए, स्टॉप हो गए, अरे स्लो डाउन भी नहीं हो सकते स्टॉप भी, तो रिवर्स कर, अच्छा रिवर्स करने की कोशिश करो, तुमने जितने पेड़ पौधे काटे हैं तो उस एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में वापस से उगाना स्टार्ट करो, रिवर्स करो, है ना, दूसरे जंगल बनाओ, तो रिवर्स द लॉस इन द नेचुरल हैबिटेट, उसको रिवर्स करने की कोशिश करो, इससे तुम बचा सकते हो जंगल बंगल, है ना, हमारे बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हो। तो दिस इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। अच्छा ये एक अलग पॉइंट है, इन सिटू कंजर्वेशन, जैसे कि कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है मतलब खत्म होने वाली है, लाइक लायन टाइगर, है ना। अच्छा अभी तुमने सुना रहेगा सुंदरबन, है ना, सुंदरबन को हमने एक मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं हम लोग, जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना गवर्नमेंट के अंडर में आता है वो रिजर्व फॉरेस्ट में, वहां पे तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं उसे हम लोग, मतलब वो टाइगर को हमने कैप्टिव मैनर में रखा है, उसको उसी की कंडीशन में जीने दे रहे हैं, वो जैसा जीना चाहता है, बस हम लोग उसका ट्रैक कर रहे हैं कि भाई ये मरे ना। समझ में आ रहा है? ये मरे ना, इसको देखा जा रहा है, मतलब इसका ख्याल किया जा रहा है, इनकी गिनती की जा रही है, देखा जा रहा है ये बीमार तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ताकि ये मरे ना। समझ में आ रहा है? चलो तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, और हमारी सरकार भी
ठीक है, बायोडायवर्सिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोचती है। कुछ भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे हमारे इकोसिस्टम को कुछ भी लॉस हो। समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग इतना जरूरी है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। समझ में आ गया बच्चा लोग? अब हमारा ये पहला टॉपिक मतलब पहला लेसन खत्म हो चुका है। काफी छोटा लेसन था सबको, मैं आशा करता हूं आपको इजीली एकदम समझ में आ गया रहेगा। ये नोट से तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, ले लिया। चलो तो बच्चा लोग अभी हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बच्चा लोग ये जितना भी मैं सिखा रहा हूं, एक बार वीडियो देखो, दो बार वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक भी एक बार पढ़ो, फिर से वीडियो देखो, तो बच्चा लोग आपको डेफिनेटली समझ में ये चीज आएगी कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो शेयर करो, जिनका छूट गया हो, जिन्होंने लेट एडमिशन लिया हो, तो उनको अमन सर की वीडियोस दिखाओ। तब तक के लिए बच्चा लोग बाय बाय। जाने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक करो, इसको शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।